हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय। और फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया था आईफोन 5 जो कि हमारा डेड कंडीशन में था। ठीक है, तो फ्रेंड मैंने फिलहाल इस फ़ोन को ऑन तो कर दिया है। मैं उसकी वीडियो फिल्म बना नहीं पाया क्योंकि मैं इसमें काफ़ी कंफ्यूज था कि ये होगा भी या नहीं होगा, लेकिन ये फ्रेंड हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें क्या किया था जो ये फ़ोन हमारा ऑन हो गया। तो ठीक है, सबसे पहले जब ये फ़ोन हमारे पास आया था तो मैंने इसमें सबसे पहले इसमें बैटरी चेक करी थी, बैटरी से फ़ोन ऑन नहीं हुआ। उसके बाद डिस्प्ले चेंज करी, डिस्प्ले से ही फ़ोन ऑन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर भी किया, सॉफ्टवेयर से ही फ़ोन ऑन नहीं हुआ। तो इसके बाद समझ नहीं आ रहा था कि दिक्कत हो गया, लेकिन मुझे पता था इसमें फ़ोन में शॉर्टिंग है, बोर्ड में ही कोई दिक्कत है। ठीक है, तो इस मदरबोर्ड में तो मैंने क्या किया, जब भी मैं इस फ़ोन में चार्जिंग प्लग करता था तो ये फ़ोन ना हल्का हल्का गर्म होता था। तो गर्म होता था इसका मतलब कि फ़ोन में मदरबोर्ड में कोई दिक्कत है जिससे वो गर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने जब क्या किया, जब उसका बोर्ड खोल लिया तो उसकी जब मैंने फिर चार्जिंग प्लग किया, चार्जिंग प्लग के बाद ये फ़ोन गर्म होने लग गया। तो गर्म होने के बाद मैंने इसके बाद क्या किया, इसके पीछे की जो सीट होती है वो सीट मैंने उतार दी। ठीक है, ऐसे देखिए इस तरह की सीट हो गई है, ख़राब की ख़राब हो जाती है, तो ये सीट मैंने निकाल दी थी। ठीक है, तो ये सीट में देखिए यहाँ फिर जब मैंने चार्जिंग को प्लग किया था, चार्जिंग प्लग के बाद ये जो पावर आईसी में लगी है, पावर आईसी यहाँ पे देखिए पावर आईसी लगी है, तो ये ना बहुत गर्म हो रही थी। तो मुझे लगा कि पावर आईसी हमारी ख़राब हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके दाएँ किया मैंने, यहाँ पर भी ये जो कोयल लगी है, ये कोयल जो है बहुत ज़्यादा हमारी गर्म हो रही थी। मुझे लगा कि ये कोयल भी ख़राब होगी, लेकिन मैंने थोड़ा कन्फ्यूज हुआ कि ज़रूरी नहीं कि हमारे ये पार्ट्स ही ख़राब हो, क्या पता इसके आसपास के भी कंपोनेंट्स ख़राब हो। तो फिर मैंने क्या किया, ट्रेसिंग जब मल्टीमीटर से किया तो उसके साइड में यहाँ पे जो यहाँ जिस साइड है यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ था, तो कैपेसिटर मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद मैंने चेक किया तो वो कैपेसिटर में दोनों तरफ से बीप आ रही थी। तो फिर मुझे कंफ्यूज हुआ कि हो गया कि हाँ ये ही हमारा ख़राब था, इसकी वजह से हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। तो फिलहाल जब मैंने इसको फिर दोबारा कनेक्ट किया तो ये ऑन हो गया। तो इसका मतलब कि हमारे फ़ोन जो हमारा गर्म हो रहा था, पावर ऐसी गर्म हो रही थी, जरूरी नहीं कि पावर ऐसी ख़राब हो या कोयल ख़राब हो, कुछ भी ख़राब हो। सबसे पहले आपको आसपास की ट्रेसिंग करनी है, चाहे क्या पता उनमें कोई ख़राब हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मैंने इसको ऑन कर दिया है, तो पहले मैं इसको चार्जिंग पता लगाता हूँ। देखिए यहाँ से इसको लगाने के बाद मैंने फिर इसमें डिस्प्ले लगाई थी, इसकी डिस्प्ले ठीक है फ्रेंड, ये हमारा इस तरह से लगाया। फिर बाद में मैंने इसमें इसके ऊपर लगाई बैटरी, जब मैंने शॉर्टिंग हटाई थी तो मैंने इसी तरह से मैं चेक फ़ोन को चेक किया था, आप भी इस तरह से फ़ोन को चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हमने फ़ोन को लगाया। ठीक है, उसके बाद चार्जर लिया और चार्जर को हमने इसमें प्लग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको प्लग कर दिया, देखिए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ऑन हो गया। तो उसकी डिस्प्ले जो है फ्रेंड वो ख़राब है, टूटी हुई है, क्या है पता नहीं, तो डिस्प्ले ऑलरेडी से ख़राब है। ठीक है, तो फोन देखा फ्रेंड आपने, इसमें ये फ़ोन हमारा ऑन हुआ। और देखिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं देखिए आपके सामने ये मैंने सीट उतार रखी है, जिस सीट के पास यहाँ पे जो पावर आईसी हमारी है, ये पावर आईसी के पास कोयल है, कोयल के पास एक कैपेसिटर हीट था, तो वही मैंने रिमूव किया और हमारा फ़ोन हमारा ठीक हो गया। अब ये फ़ोन कहीं से भी गर्म नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से मैंने फ़ोन को फिर आईफोन 5 को रिमूव मतलब सही किया। तो आप भी इस तरह से कोई भी आईफोन हो तो उसको आप इस तरह से ठीक कर सकते हो। कहीं फ़ोन में कोई चीज़ गर्म हो रही है तो उसके आसपास देखना, कोई चीज़ हीट ना हो रही हो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर है फ्रेंड कैपेसिटर ही ख़राब होते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने फ़ोन को रिपेयर किया, क्योंकि मैं फ्रेंड मेरे को कन्फर्म नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई कि ये होगा भी नहीं होगा। तो ये देखिए, तो ये कन्फर्म पूरा हो चुका है। ठीक है, देख सकते हो आप, शायद दिख नहीं रहा होगा, उसमें ब्राइटनेस का हमें पैटर्न लगा हुआ है, जैसे बाकी सब कुछ वर्किंग है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इस तरह से मैंने फ़ोन को रिपेयर किया और मैंने आपको समझाया कि इस फ़ोन को कैसे हमें रिपेयर करना है आईफोन को। तो इस तरह से मैंने आईफोन ही नहीं, आप कोई से ही फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।